अब रुख करते हैं प्रयागराज का, जहां पर दबंग दरोगा सुमित आनंद एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार मामला दरोगा के गुपचुप तरीके से अहम चौकी प्रभार देने का है। दरोगा सुमित आनंद इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर फुटपाथ पर दुकानदारों की सब्जियों पर जो है पुलिस की जीप चढ़ाने को लेकर चर्चा में आए थे, उसको पलटाने को लेकर चर्चा में आए थे। प्रयागराज में पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली फिर से सवालों के घेरे में आ गई, जिसके बाद किरकिरी होते देख अधिकारियों ने आदेश वापस ले लिए हैं। मामला एक दरोगा को चौकी का इंचार्ज बनाए जाने से जुड़ा हुआ है। सुमित आनंद नाम के दरोगा को अधिकारियों ने नैनी थाने की अरेल चौकी का इंचार्ज बना दिया। आपको बता दें कि ये वही सुमित आनंद दरोगा है जिन्होंने बीते 4 जून को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर अपनी सरकारी गाड़ी से फुटपाथ में सब्जी लगाने वाले दुकानों को कुचल दिया था, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद दरोगा सुमित आनंद को सस्पेंड कर दिया गया था। मैं अभी मौके पर जांच कराई गई और क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच की गई, जिसमें बात निकल के आई है कि दरोगा जी द्वारा जो सुमित आनंद है उनके द्वारा लापरवाही की गई है। लापरवाही करने के दौरान चूंकि ये मंडी जो है बुधवार और शुक्रवार को लगना तय था, तो बृहस्पतिवार को जब ये मंडी लगी तो इनके द्वारा वहाँ पे घोषणा की गई। घोषणा करने के बाद जब इनको लगा कि ये लोग नहीं मान रहे हैं और लोगों द्वारा हूटिंग की जा रही है, तो इन्होंने एक गलत तरीके से चीज़ों को वहाँ पे रौंदा और इसकी सूचना पर जब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, उसके बाद इनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की गई है तथा वहाँ मौजूद जो किसान हैं जिनकी सब्जियों का नुकसान हुआ है उनसे हमारे क्षेत्राधिकारी ने बात करके और उनके जो नुकसान के मूल्यांकन उन्होंने किए हैं उसके अनुरूप उन्हें समायोजित किया गया है आर्थिक रूप से। लेकिन महज 3 महीने बाद ही आरोपी दरोगा को अहम चौकी का प्रभार दे दिया गया। हैरत की बात यह है कि दरोगा की नियुक्ति भी बेहद गुपचुप तरीके से की गई और ट्रांसफर की कोई लिस्ट सार्वजनिक नहीं की गई। विभाग की किरकिरी होते देख एसएसपी ने सफाई पेश करते हुए कहा है कि दबंग दरोगा की पोस्टिंग एक क्लर्क की गलती से हुई है। बहरहाल दरोगा को चौकी इंचार्ज बनाए जाने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसे चौकी से हटाकर एक बार फिर लाइन हाजिर कर दिया गया है। वो एक लिपिक गलती के कारण हो गई थी, क्योंकि लाइन में जितने भी लोग हैं हमारे थानों में इस समय सब इंस्पेक्टर और तमाम पुलिसकर्मियों की कमी चल रही है, जिसकी वजह से अभी भी लाइन में जो नए आमद थे जितने पुलिसकर्मी उनको भी थानों में लगाया गया। इसी क्रम में चूंकि लाइन में उनकी तैनाती थी उनको लगाया गया था एक लिपिक गलती कारण। तत्काल रूप से जब ये मामला संज्ञान में आया कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई प्रचलित है तो उनको वहाँ से हटा दिया गया और दंड की फाइल देकर आगे उन पर इसकी कार्रवाई चलेगी। भले ही खबर वायरल होने के बाद आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया हो, लेकिन इस तरह से आरोपी दरोगा को गुपचुप तरीके से अहम चौकी का इंचार्ज बनाया जाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।